दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन का स्कैम हुआ या फिर जिन लोगों के पास महिलाओं के लड़कियों के द्वारा वीडियो आई, उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया और उस वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उन लोगों को काफी परेशान किया, कई लोगों ने पैसे भी दिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो वीडियो का क्या हुआ, वो वीडियो अभी तक उन लोगों के पास है या फिर वो डिलीट हो गया। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उस वीडियो का, इस स्कैमर की बात करें, साइबर ठगों की बात करें, क्रिमिनलों की बात करें, आखिर इन लोगों ने हमारे उस वीडियो पर किया क्या है, यानी कि वो वीडियो अब कहां है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हमेशा आपको ऐसी जानकारी देकर अवेयर करते हैं जो हमारे देश में एक फ्रॉड का कारण बन सकती है और आपको समय रहते ही अवेयर कर देते हैं ऐसे फ्रॉड्स के बारे में, ऐसे स्कैम के बारे में। तो निश्चिंत ही आप हमारे द्वारा दी हुई जानकारी देकर ऐसे फ्रॉड्स के बारे में पहले से ही जान सकते हैं और जब आपको जानकारी रहती है तो आपके साथ इस तरीके के फ्रॉड भी नहीं होते हैं। तो निश्चित ही आपको हमारा जो वीडियो अगर पसंद आता है तो हम आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप निश्चिंत ही उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे। दोस्तों अगर बात करें कि हमारे पास जो एक लड़की ने वीडियो कॉल किया था, हमारा एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अब 2 से 4 महीने हो गए हैं, हो सकता है 4 से 8 महीने हो गए और हो सकता है 1 साल का समय बीत चुका है। तो आखिर वो वीडियो का उन लोगों ने किया क्या, क्योंकि उन लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे फोन किया था, जब मुझसे 1000 रुपए उन्होंने मांगे थे तो मैंने उन्हें 1000 रुपए दिए थे, उसके बाद उन्होंने 5000 मांगे थे दिए थे, 10000 मांगे थे दिए थे, फिर उन्होंने हमारे उस वीडियो को साइबर क्राइम में भेज दिया था, हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट हुई थी, एक फोन भी आया था हमारे पास, एक साइबर क्राइम के ऑफिसर का कॉल आया था, यूट्यूब के एक ऑफिसर का कॉल आया था, तो उन सभी लोगों के पास हमारा वीडियो था। तो अब वो वीडियो, क्योंकि अब उसके बाद हमने उनको धमका दिया और उनको हमने पैसा भी नहीं दिया, उन्होंने हमें काफी परेशान किया था, हमने उनके साथ गाली गलौज किया, तो सारी जो चीजें हुई, लेकिन वो बार बार एक बात बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, लेकिन अभी तक वो वीडियो हमने कहीं देखा नहीं है। तो उस वीडियो का आखिर हुआ क्या, वो वीडियो अब है या नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा ये सवाल हमसे पूछा जाता है। आपको जहां मौका मिलता है हमसे रूबरू होने का, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक पे, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि सर 1 महीना हो गया, वो वीडियो है या डिलीट हो गया। या फिर बहुत सारे लोग जिनके साथ ये स्कैम हुए 2 वर्ष बीत गए, वो उनका एक ही सवाल लगातार हमारे पास आता है। और जो आज तक हमारे चैनल पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो यही है कि सर उस वीडियो का क्या हुआ। तो आज इस वीडियो में बहुत ही डीपली बात करेंगे कि उस वीडियो का क्या हुआ, क्या वो वीडियो आज दुनिया में है, क्या वो अस्तित्व में है, अगर है तो फिर इन लोगों ने दोबारा हमें कॉल क्यों नहीं किया, और आखिर इन लोगों ने अगर उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो फिर इन्होंने बनाया क्यों था। दोस्तों अगर बात करें सेक्सटॉर्शन स्कैम में जो वीडियो बनाए जाते हैं, जो महिला आपको कॉल करती है, जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियो में बताया कि वो फ्रॉड होती है, वो कोई एक ऑथेंटिक महिला यानी कि एक ओरिजिनल महिला नहीं होती है, ये साइबर ठग है, साइबर क्रिमिनल है, आप लोगों को ठगने के लिए इनका एक तरीका होता है जिसमें आपको एक महिला बनकर ये कॉल करते हैं, आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ही इनका वो जो मुख्यतः जो खेल है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है। बेसिकली बहुत सारे लोग डर कर इन लोगों को पैसा देते हैं और पैसा देते 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 काफी समय बीत जाता है, लेकिन इन लोगों की हरकतों से ये बात नहीं आते, इनकी लगातार यही डिमांड रहती है। अंततः वो व्यक्ति जब हार जाता है उसके पास या तो पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर वो ये सोच लेता है कि अब कोई मतलब नहीं है, इन लोगों से मैं कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकता, तब वो जाकर इन लोगों को मना करता है। और मना करने के बाद इनके 2-3 तरीके होते हैं फ्रॉड करने के, तो जिसमें ये यूट्यूब का ऑफिसर बनकर भी कॉल करता है, साइबर क्राइम का ऑफिसर बनकर भी कॉल करता है, और सभी के द्वारा एक ही बात की जाती है कि वीडियो वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहा है, यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है।
तो 3 महीने गुजरने के बाद, 5 महीने गुजरने के बाद, 8 महीने गुजरने के बाद भी वो वीडियो किसी का सोशल मीडिया पर नहीं आता है। तो आखिर ये क्या कारण है? तो ये क्यों बोलते हैं? अगर ये झूठ बोलते हैं तो क्या हमें डरना चाहिए? तो दोस्तों, हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, और हम आपको बता बता कर इतना बता चुके हैं कि बस अब हम खुद पक चुके हैं इस बात को लेकर। अगर आप ये चीज समझे, आप कुछ अगर इसमें दिमाग लगाते हैं तो कुछ समझ सकते हैं कि हमारे पास ऐसे व्यूवर्स हैं जो 1 महीने पुराना भी है, जो 4 महीने पुराना भी है, 8 महीने पुराना भी है, और 1 साल पुराना भी है। तो अगर सारे जो व्यूवर्स जिस कैटेगरी के होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 महीना, आज तक उनका वीडियो जो 80% पर रुका हुआ था, जब साइबर क्राइम के ऑफिसर ने कॉल किया था, उसने बताया था कि 80% तक आपका वीडियो अपलोड हो गया है, तो 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल गुजरने के बाद भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये लगा सकते हैं, मतलब सीधा सीधा लगाने की जरूरत नहीं है, ये वास्तविकता है कि ये लोग आपका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, सिर्फ आपसे पैसा लूटने के लिए आपसे इस तरीके की गतिविधि करते हैं। अब एक सवाल और आता है कि सर, हमारा आज ही वीडियो बनाया है, लोगों के फोन आ रहे हैं, ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड को भेज देंगे, तो क्या हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये भेज देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा? बेसिकली दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि ये आपको डराते हैं, आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं। अब इसमें जिन लोगों ने पैसा दिया, उन लोगों का वीडियो ज्यादा दिन तक ही अपने पास रखते हैं। ज्यादा दिन का मतलब कि जब तक आप इन लोगों को मना नहीं करोगे, इनके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आओगे, तब तक ये वीडियो आपका जो है इन लोगों के पास रहेगा। अब जिस दिन आपने इन लोगों के साथ बदतमीजी कर दी, चाहे आपने पैसे दिए चाहे ना दिए, तो बिल्कुल ही आपका वीडियो उसी वक्त, यानी कि उसके टाइम के बाद ही आपका वीडियो डिलीट। अब जो लोग लगातार इनको पैसा दे रहे हैं, आज उन्होंने 1000 दिए, कल वो 1500 देंगे, फिर 5000 देंगे, फिर 8000 देंगे, फिर 10000 देंगे, 20000, इस तरीके जो पैसा देते रहेंगे, तो उन लोगों का तो निश्चित ही यार उनका वीडियो तो रखेंगे ना, क्योंकि वो लोग उनको पैसा दे रहे हैं भाई। हो सकता है 10000 20000 देने के बाद वो पूछ ले कि भाई एक बार वीडियो दोबारा भेज के दिखाओ, तो इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर भेजेंगे नहीं तो वो आदमी पैसा देना बंद कर देगा, तो इसलिए ये वीडियो उसका रखते हैं। और जिस आदमी ने पहली बार ही कह दिया भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा ही नहीं, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ ले, जो तू करना चाहता है कर ले, एक चमन्नी नहीं दूंगा, तू तो बात कर 1000 रुपए की, तो निश्चिंत ही क्या करेंगे यार, उसका वीडियो डिलीट करेंगे। उनको पता है कि यार बहुत सारे लोग हैं, इनके चक्कर में थोड़ी लगे रहेंगे, वो जो आदमी पैसे नहीं दे रहा खून पी रहा है, उस आदमी के चक्कर में थोड़ी लगे रहेंगे मेरे भाई, वो तो और लोगों के साथ करेंगे ना, उस चक्कर में 2 घंटे खराब करेंगे, 2 घंटे में तो 10 लोगों के साथ और फ्रॉड कर देंगे। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं, उन लोगों का निश्चित ही जब तक वो पैसा देंगे तब तक उनका वीडियो उन लोगों के पास रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर लें। और जिन लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, गाली गलौज किए, उनके साथ बदतमीजी से पेश आए, तो निश्चिंत ही उनका वीडियो 1 से 2 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। अब सिर्फ समझना यह है कि आप उन्हें पैसा दे रहे हैं तो आपका वीडियो किस तक रखेंगे, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका वीडियो उनके पास है या नहीं है। इससे ज्यादा और ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं मिल सकती। और आप अगर ये भ्रम में बैठे हैं कि आपको 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए आपका वो वीडियो रखकर बैठे, तो निश्चिंत ही एक बात और बता देता हूं कि उन्हें रियल में ये पता भी नहीं है कि अब वो आपका जो वीडियो है वो है कौन सा, क्योंकि ये पर डे 1000 लोगों के साथ इस तरीके के फ्रॉड करते हैं। 1000 लोगों के अंदर 500 लोगों की पर डे अगर वीडियो बनते हैं तो इनके मोबाइल में इतने वीडियो हो जाते हैं, ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस बात को सही नहीं मानते तो आप खुद कर लीजिए, आपके पास आपके मोबाइल में जो आपकी खुद की एक फोटोज है वो इतनी फोटोज होगी, अगर उन्हें चाहकर भी आप ये समझोगे कि इस फोटो को निकालना, तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप खुद भूल चुके हैं, क्योंकि वो आपके मोबाइल में बहुत क्वांटिटी के साथ पड़ी है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपका जो वीडियो है कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, आपका वीडियो आज तक डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीजों का एक आइडिया लगाकर आप समझ सकते हैं। और अगर आपका वीडियो उनके पास होता तो आपके पास जरूर उन लोगों का दोबारा कॉल आता। तो यानी कि आपका कोई वीडियो नहीं है और आप बिल्कुल इस तरीके से अगर फंसे हुए थे, तो निश्चिंत ही अपने दिमाग में ये सारी जो क्वेरी आपने डाल रखी थी, जो कचरा आपके दिमाग में आपने डाल रखा था, उसको आप निकाल दीजिए। निश्चिंत ही एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, आप उसी तरीके से उस लाइफ को जी सकते हैं और
आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई और आपकी क्वेरी है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमें पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप हमें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर सही जो जवाब होगा हम आपको देंगे। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।